कोरोना से फेफड़े ही नहीं किडनी लिवर पर भी पड़ रहा है असर। डॉक्टर की सलाह पर इन 7 बातों का रखें खास ध्यान। कोरोना वायरस वर्ष 2020 में कहर बरपा रहा है। देश में बड़ी संख्या में लोग संक्रमण की चपेट में आए, जबकि हजारों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। कोरोना वायरस लगातार रूप बदलता जा रहा है, उसमें सबसे अधिक घातक डेल्टा वेरिएंट रहा। वर्तमान समय में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट का संक्रमण फैल रहा है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने वालों के फेफड़े पर प्रभाव एवं प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से किडनी, लिवर और ब्रेन पर भी असर पड़ा है। ऐसे मरीज LLR अस्पताल और मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुरक्षा तंत्र फेल, कार्य क्षमता पर असर। GSVM मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर JS कुशवाहा का कहना है कि कोरोना का संक्रमण श्वसन तंत्र के ऊपरी व निचले हिस्से और फेफड़ों में होने से निमोनिया हो जाता है। इस वजह से प्रतिरोधक क्षमता गड़बड़ाने से शरीर के सुरक्षा तंत्र फेल होने पर वायरस खून के साथ किडनी, लिवर और मस्तिष्क में पहुंच जाता है। इन सभी अंगों में खून की आपूर्ति प्रभावित होने से कार्यक्षमता गड़बड़ाने लगती है। इसलिए कोरोना से उभरे मरीज मल्टी ऑर्गन की समस्या लेकर आने लगे हैं, जिनकी संख्या 5% है। सूजन बढ़ने से कोशिकाएं होती हैं क्षतिग्रस्त। मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि कोरोना वायरस फेफड़ों में संक्रमण करता है। संक्रमण की वजह से खून में साइटोकाइन इंटरल्यूकिन तत्व बढ़ने लगते हैं, जिससे शरीर में सूजन आने लगती है। इस वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। सूजन करने वाले तत्व खून के जरिए किडनी, लिवर, मस्तिष्क व हार्ट में पहुंच जाते हैं। मांसपेशियों और इन अंगों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, इसलिए कोरोना से उबरने वालों को दिक्कत होती है। मरीज इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कोरोना से उबरने वाले मास्क जरूर लगाएं, भीड़भाड़ में जाने से बचें, साफ सफाई रखें, हरी सब्जियां और मौसमी फल जरूर खाएं, सुबह स्वच्छ हवा में जरूर टहलें, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने का व्यायाम करें, बाहर जाएं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कहीं बाहर से घर लौटने पर साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोएं।